तो हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सब लोग। और आज ये दिन शनिवार का शाम के हो रहे हैं 7:30। मैं ऑफिस से आ चुका हूँ और काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा, तो उसकी भी मैं बताऊँ क्यों नहीं आ रहे हैं। और आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। ब्लॉग ना आने का रीज़न मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ पर शहरी की तबीयत ठीक नहीं है, शहरी को भी बुखार हो रहा है और इसके गाल पे किसी ने काट लिया। किसने काटा गुड्डू? मधुमक्खी ने काट लिया। और ये बैठी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए आजकल ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो आज काफ़ी दिन बाद ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ और आज एक मेरी ड्यूटी और लगी है। आज का खाना कौन बनाएगा है? आज का खाना बनाना पड़ रहा है मुझे। और ये आराम से बैठी है, देखो देखो इस औरत को ध्यान से देखो, ये आराम से बैठी है, मुझसे खाना बनवा रही है। नहीं ऐसी बात नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए खाना मैं बना रहा हूँ। और कल से शहरी को भी बुखार हो रहा है, इसको भी अभी डॉक्टर के दिखाने ले जाएंगे। तो जी, नए ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रात को जो है उन्होंने ब्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि काफ़ी दिन से जो है ब्लॉग नहीं बना पा रही थी मैं, क्योंकि थोड़ी सी जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मौसम बदल गया था इस वजह से थोड़ी सी जो है तबीयत मेरी ऐसी हो गई थी। तो एक हफ्ते से जो है ब्लॉग नहीं आ रहा था। कोशिश करूँगी कि आप सभी के लिए अच्छे अच्छे से ब्लॉग लेकर आऊँ। और सुबह के 10:30 बज रहे हैं और संडे का दिन है और वो तो चले गए हैं ऑफिस। थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि थोड़ा बहुत जो है हमारे यहाँ पर काम चल रहा है, तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि क्या काम चल रहा है। तो जी, हमारे यहाँ पर जो है सीलन की वजह से जो है दीवारें काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उसका ही जो है अब वो करवा रहे हैं हम। पाइप पट्टी वगैरह जो होती है वो खिंचवा रहे हैं क्योंकि सीलन की जो दीवारें हैं अब सूख चुकी हैं और अब जो है इनमें से पपड़ियाँ उतर उतर के जो है नीचे गिर रही हैं। और देखिए कितनी सारी पपड़ी जो हैं वो ऐसे लटकी पड़ी हैं। और अब त्यौहार आ रहे हैं तो साफ़ सफ़ाई करनी भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी ख़राब हो रखा है। तो ये भैया जो है यही कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ सीलन आ रखी थी वहाँ वहाँ की सारी दीवारें जो हैं आज भैया खुरच के जो है सारी साफ़ कर देंगे और उसके बाद जो है कल से जो है वाइट पट्टी खींचेंगे। तो जी, मैं भी लग गई थी यहाँ पर अपने काम पर क्योंकि शायरी की बुक्स वगैरह जो है अब मैं इनको ट्रॉली में लगा देती हूँ। और शायरी के तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और शायरी की बुक्स वगैरह जो है मैं ट्रॉली में ही रखती हूँ, वो यहीं से लेती है अपनी चीज़ें और यहीं पर रख देती है। नहीं तो कई बार जो होता है इधर उधर उसकी बुक्स वगैरह होती हैं तो टाइम पर जो है मिलती नहीं है और टाइम पर उसको कभी भी पेंसिल शॉर्पनर कभी भी नहीं मिलता है। तो उसकी ज्योमेट्री वगैरह जो है वो सब मैं ट्रॉली में ही रख दूँगी और इसकी बुक्स भी रख दूँगी। और काफ़ी दिन से जो है मैं डीप क्लीनिंग भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से जो है मेरे को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ा बहुत ही मेरे से काम हो पा रहा था और शाम को ऑफिस से आने के बाद जो है वो थोड़ी बहुत जो है मेरी खाने में जो है मदद कर रहे थे, तो काफ़ी हेल्प भी करते हैं वो मेरी। जब मेरी तबीयत वगैरह जो होती है ठीक नहीं होती है तो वो खुद मेरी मदद जो है कर देते हैं ऑफ़िस के आने के बाद भी। और कल भी जो है उन्होंने ही खाना बनाया था क्योंकि मुझे जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो थोड़ा बहुत काम करने पर भी जो है मेरे को काफ़ी थकान हो रही है, तो इस वजह से जो है वो मेरी हेल्प कर देते हैं शाम को। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी बुक्स वगैरह जो है शायरी की लगा दी हैं ट्रॉली में। और इसके बाद जो है मैं यहाँ की कमरे की क्लीनिंग करूँगी और हॉल की क्लीनिंग तो नहीं करूँगी क्योंकि आज पूरा दिन जो है हॉल में काम चलेगा। और मम्मी भी अपने कमरे में ही है क्योंकि मम्मी को जो है डस्ट से जो है एलर्जी हो जाती है, तो इस वजह से जो है मम्मी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके जो है अंदर ही बैठी हुई है। और बस यहाँ पर बुक्स वगैरह लगाने के बाद जो है बस अब मैं झाड़ू लगाऊँ। और अभी ये गद्दी जो है मैंने सारे यहाँ पर सेट करके लगाई थी साफ करके और ये गिर गई नीचे। तो जी, ये भी ऑफिस से आ गए हैं और अभी जो है 7:30 हो गए हैं और ये वाली दीवार भी हो गई है, इस पे से भी बहुत पपड़ी हटी है और बाकी यहाँ का भी हो गया है। और किचन की तरफ भी जो है उधर से भी कर दिया भैया ने। और अब ये जो है सामान लेने जा रहे हैं, तो सुबह ये मंगा लिया था एक कट्टा और ये कम पड़ेगा तो उन्होंने बोला और लाना है। हाँ, तो ये 1 लीटर की लानी है जो केमिकल की बोतल है।
तो देखिए जी, इधर की तरफ से भी जो है सारा जो है भैया ने इधर साफ कर दिया है, और इधर से भी जो है खूब पपड़ी वगैरह निकली है, और ये जा रहे हैं सामान लेने के लिए। जी आते ही जो है मैंने इनको काम बता दिया है, और चाय पीने के बाद जो ही लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कल जो है सुबह भैया आ जाएंगे वो, तो पट्टी वगैरह खींचेंगे तो वो सामान जो है कम पड़ेगा, तो इसलिए जो है ये अभी लेने गए हैं, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। और किचन की तरफ भी जो है यहाँ पर भी खूब सीलन आ रही है हमारे यहाँ, तो यहाँ से भी जो है पपड़ी उतर दी थी, तो ये सब कर दिया है भैया ने जैसे साफ, बस जो यहाँ पर है पट्टी खींचनी रह जाएगी कल। और देखिए इधर की तरफ भी जो है काफ़ी सीलन आ रही थी, तो अभी जो है उन्होंने सारा खुरच दिया है, सारा साफ कर दिया है। चाय से नहीं खींचेगा, ला देखो मैं तो भाई ये समझ ले कम पड़ा है, क्योंकि पहले सिर्फ ये जो पोर्शन है इसी को करवाना था, मगर जब उसने खुरचना स्टार्ट करा तो ये सारी दीवारें ख़राब हो गई थी, तो ये फालतू हो गया, इसलिए और लाना पड़ा। अभी ऊपर भी है, ऊपर के लिए शायद और लाना पड़ेगा, और ये मैं केमिकल लाया हूँ ताकि सीलन ना। तो जी अभी रात के जो है 9:30 हो रहे हैं, और खाना वगैरह खा लिया है, और आज उन्होंने जो है सब्जी बना दी थी, मैंने जो है रोटी डाल ली थी, और किचन साफ करके जो है बस मैं अभी आई हूँ कमरे में, सोचा चलिए जी ब्लॉग भी एंड कर देते हैं। और आज जो है गुड्डू को जो है मधुमक्खी ने भी जो है काट लिया, यहाँ गाल पे काट लिया है, तो उसका गाल जो है सूज रहा है यहाँ से, तो उसको जो है मैंने दवाई वगैरह भी शाम को लगा दी थी, और एक बार और उसको लगाऊंगी दवाई में उसकी। तो जी काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा मौसम बदल गया, तो तबीयत वगैरह जो है सभी की ऐसी हो रही है, तो मम्मी की भी ऐसी हो रही थी, मेरी भी और शहरी की भी हो रही थी, तो हम तीनों की जो है तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब थोड़ी सी तबीयत ठीक है, तो कोशिश करूँगी आप सभी के लिए रोज़ रोज़ अच्छे अच्छे से ब्लॉग लेकर आऊँ। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो जो है यहीं पर कर देती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पर नहीं आ रहे हो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।